बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का हम टॉपिक मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स देखने जा रहे हैं। मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स को हम इस टेबल के ज़रिए समझेंगे। मिन टर्म्स को हम प्रोडक्ट टर्म्स भी कहते हैं और मैक्स टर्म्स को हम सम टर्म्स भी कहते हैं। मिन टर्म्स प्रोडक्ट टर्म्स, मिन टर्म्स आप समझ लें मैक्स टर्म्स इसका कॉम्प्लीमेंट होती है, एक दूसरे का ऑपोजिट है या रिवर्स है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें थ्री वेरिएबल्स के लिए ये मिन टर्म्स दी हुई हैं, थ्री वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन है। तो थ्री वेरिएबल्स के लिए हमारे पास एट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, टू रेज टू पावर थ्री करते हैं हम जस्ट, तो एट कॉम्बिनेशन बनते हैं। टू रेज टू पावर थ्री करेंगे इज इक्वल टू एट आएगा, तो हमारे पास एट डिफरेंट ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो हमने ये जेड किए हैं जो 0101 0101 और वाई के लिए 0011 0011 और एक्स के लिए 0001111। तो फर्स्ट में हम देख सकते हैं कि एम नॉट की जो हमें रिप्रेजेंटेशन दी कि ये देखें 000 है, तो इसलिए हमने कैपिटल एक्स बार डॉट मल्टीप्लाई वाई बार डॉट जेड बार प्रोडक्ट टर्म्स हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करा रहे हैं। इसी को देखिए हम मैक्स टर्म सम टर्म्स में जो मैक्स टर्म्स हैं वो एम नॉट कैपिटल एम नॉट से रिप्रेजेंट किया, वो स्मॉल एम नॉट से मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट किया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें प्लस आ गया और बार को हटा दिया गया, तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। आप मिन टर्म्स समझे प्रोडक्ट और मैक्स टर्म्स उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो मैक्स टर्म्स आ जाएगी। मिन टर्म्स में नेक्स्ट आप देखें कि एक्स की जीरो है, वाई भी जीरो है, जेड वन है, तो एम वन हमारे पास बनेगा एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड, सिंपल जेड। मीन्स कि हमने देखा कि जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ बार आ रहा है मिन टर्म्स में, और जहाँ वन है वहाँ एज इट इज़ लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास मिन टर्म्स से रिप्रेजेंट और कर रहे हैं। मिन टर्म्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मिन एक्स बार y बार z बार, और साथ अगर मिन टर्म आने के तो यहाँ सिग्मा लगा सकते हैं या फाई लगा देते होते हैं। मैक्स टर्म में ये डिफरेंट है, बाकी वही सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें मिन टर्म्स और मैक्स टर्म में क्या डिफरेंस है कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का हो, कैसे कि ये देखें x बार डॉट y बार डॉट z बार, जेड नहीं लगाते, ये समझो हमारे पास मेन टर्म्स है। तो मैक्स टर्म्स क्या होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें अगर हम, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो रहा है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल, सिर्फ एक्स आ जाएगा, डॉट की जगह प्लस आ जाएगा, वाई कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल वाई आ जाएगा, प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट नहीं है यहाँ, लेकिन होल पर कॉम्प्लीमेंट है, तो जेड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये हमारे पास मैक्स टर्म आ जाएगी। इस तरह हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई मिन टर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मिन टर्म्स गिव्स द हाई वैल्यू लाइक वन, मिन टर्म्स की वैल्यू हमेशा वन होगी, हाई वैल्यू जो देगा वो मिन टर्म्स होगी, मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। जनरली रिप्रेजेंटेड एम नॉट एम वन एम टू स्मॉल, और मैक्स टर्म्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मैक्स टर्म्स गिव्स द लो वैल्यू जीरो, जीरो वैल्यूज देगा तो वो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। जनरली रिप्रेजेंटेड एम कैपिटल एम नॉट कैपिटल एम वन कैपिटल एम टू। वी मे से दैट मैक्सिमम टर्म्स एंड मिन टर्म्स रिवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दी हुई है सिंपल, टू फाइंड मिन टर्म एंड मैक्सिमम हमने फाइंड करनी है, तो हम इसमें ना वैल्यूज पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये देखें इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। तो इसमें रिजल्ट्स में देखें कि M2 और M3 हमें 1 आ रहा है, ये देखें हमने पुट किया, जब x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यूज़ पुट की इस इक्वेशन में, हमारे पास आंसर आएंगे। और ये देखें हमारे पास M7 भी हाई आ रहा है, 1 आ रहा है, ये बाकी ज़ीरो आ रहे हैं। मींस जो ज़ीरो आ रहे हैं वो मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो वन आ रहे हैं वो मिन टर्म्स को।
यहाँ बीच में मल्टीप्लाई आएगा, डॉट आएगा, ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ डॉट आएगा, यहाँ भी कॉमा लगा है, यहाँ कॉमा नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा बीच में, क्योंकि मैक्स टर्म्स में प्लस आता होता है और मीन टर्म्स में मल्टीप्लाई आता है। ये लिखने में थोड़ी गलती हुई है, बाकी आप देख सकते हैं कि अगर हम इसी इक्वेशन को हम इधर पुट करेंगे, ये देखें M2 के x बार y इंटू z बार, ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, इसको। ज़ीरो है तो x बार आएगा, y 1 है तो सिर्फ y आएगा, z बार 0 है तो z आएगा। तो इस तरह हमने ये ऊपर इक्वेशन थी उसमें हमने पुट की है वैल्यूज़ ये वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो हमारे पास फिर कुछ मिन टर्म्स आएंगे और कुछ मैक्स टर्म्स आएंगे। मिन टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं, मिन टर्म्स को हम लिखेंगे सिग्मा, उसमें हमारे पास एम टू कॉमा एम थ्री कॉमा एम सेवन, ये आया था मिन टर्म्स के लिए, ठीक है। यही हमारे पास वन वैल्यूज है, इसकी वन थी, इसकी वन थी, इसकी वन। और मैक्स टर्म्स को हम लिखेंगे फाइव एम नॉट, हमारे पास मैक्स कैपिटल एम नॉट, एम वन, एम टू और एम थ्री मिन टर्म्स, तो इसे एम फोर आ जाएगा, एम फाइव और एम सिक्स, ये हमारे पास मैक्सिमम टर्म्स है, मैक्स टर्म्स। ज़ीरो ज़ीरो इनकी वैल्यू होगी, हाई तो ज़ीरो वैल्यूज मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करती है और मिनिमम वैल्यू मतलब वन वैल्यू मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह